असम के दिल पर राज करने वाले सिंगर जुबिन गर्ग आज 50 वर्ष के हो गए हैं। 18 नवंबर 1972 को जन्मे जुबिन गर्ग ने अपने जीवन में कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। उनका पूरा नाम है जुबिन बोरठाकुर, लेकिन लोग उन्हें जुबिन गर्ग के नाम से जानते हैं। वो अपने गोत्र नाम गर्ग का उपयोग करते हैं उनके उपनाम के रूप में। उनका नाम प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था, जो पूर्वी और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के संचालन के लिए जाने जाते हैं। जुबिन गर्ग ने पेशेवर संगीत में प्रवेश किया जब उनकी पहली एल्बम अनामिका 1992 में रिलीज हुई। बाद में उन्होंने माया, आशा और पाखी सहित कई सारे एल्बम्स जारी किए। 90 के दशक के अंत में जुबिन गर्ग बॉलीवुड संगीत उद्योग में काम करने के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्होंने चांदनी रात, यूं ही कभी, फिजा और कांटे जैसी कुछ हिंदी एल्बम और फिल्में में गाने रिकॉर्ड किए। आखिरकार उन्हें बॉलीवुड में फिल्म गैंगस्टर में सबसे बड़ा ब्रेक मिला। गैंगस्टर फिल्म का गाना या अली 2006 की सबसे लोकप्रिय हिट गानों में से एक था। इस गीत ने उन्हें 2006 में सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल इंडियन गायक फिल्म अवार्ड्स भी दिलवाया। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली सहित कई सारी भाषाओं में 15,000 से अधिक गाने गाए हुए हैं। जुबिन गर्ग ने कुछ असमिया फिल्मों में भी काम किया हुआ है। उन्होंने मौनजाई में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसने 56वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म का खिताब भी जीता था। हालांकि जुबिन गर्ग ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा असमिया में गीत गाकर, फिल्में बनाकर असमिया फिल्म और गीत इंडस्ट्री को एक अलग सी पहचान दी। जुबिन गर्ग अक्सर सामाजिक सेवा भी करते हैं, चाहे गरीबों की सहायता करनी हो या फिर बेबाकी से बात रखनी हो, जुबिन गर्ग को ये एक खास पहचान देती है। आज न केवल असम में बल्कि पूर्वोत्तर भारत की अन्य राज्यों में भी जुबिन के चाहने वालों की तादाद भारी संख्या में है, और जुबिन गर्ग का बेबाकी से बात करना, असमिया फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना और असमिया फिल्म इंडस्ट्री को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ना, ये उन्हें बाकी सिंगर से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है। और यही कारण है कि असम समेत पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों के युवा भी आज सिंगर जुबिन गर्ग को चाहते हैं, उनको मानते हैं, उनका कहा हर बात फॉलो करते हैं और उन्हें अपने दिल में जगह भी देते हैं। हम भी जुबिन गर्ग को उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे ईस्ट न्यूज़ परिवार की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में भी जुबिन गर्ग असम और पूर्वोत्तर भारत की जो संस्कृति है उसे अपने गीत में पिरोकर दुनिया के सामने लाते रहेंगे। News Desk Report, East News. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.